तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक और जैसे कि आप लोग जानते हैं आज हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट वॉर गियर्स फॉर F2P। तो सबसे पहले जो P2P होते हैं मतलब F2P होते हैं उनके लिए जितने भी रिसोर्सेज और वगैरह मतलब मटेरियल चाहिए होता है वो सब लिमिटेड होता है। तो मतलब उसको किस तरीके से यूज़ करना है, कौन कौन से वॉर गियर सबसे बढ़िया है, हम आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ मतलब एक्सेसरीज मतलब मेन होते हैं क्योंकि उसमें तीन तीन स्लॉट होते हैं एक्सेसरीज़ के, तो मतलब वो ज़्यादा आपको मतलब बूस्ट देंगे अटैक का। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं लॉस्ट आइलैंड्स रिलिक, जो आप लोग जानते हैं। इसको पहली बात तो मिथिक करना बहुत सरल होता है, मतलब वो आप लोग कर सकते हैं तीनों आसानी से। और अगर आप लोग लेवल 60 से नीचे हैं तभी कीजिएगा, वरना अगर आप लेवल 60 से मतलब लेवल 60 हो चुके हैं तो आपके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो मैं रिलिक की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसमें इन्फेंट्री अटैक, रेंज अटैक और आर्मी मैक्स एचपी मिल रहा है। आर्मी मैक्स एचपी 3.5%, यानी कि अगर आप लगभग 10% मिलेगा अगर आप तीनों एक्सेसरीज में लगा देंगे तो 10% आपका अटैक डैमेज बढ़ेगा और 24% आपका इन्फेंट्री और रेंज अटैक बढ़ जाएगा, जो कि F2P के लिए मतलब बहुत आसान है, मतलब सही है, मतलब रहेगा F2P के लिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने मतलब ऑफ हैंड पे। ऑफ हैंड के अंदर आप जैसे कि जानते हैं लूनार स्किमिटर, जो भी बोलते हैं इसको, मतलब मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत गलत होता है तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। तो उसके बाद जो है हम लोगों के पास, अगर आप इसको मिथिक करना चाहते हैं तो मतलब आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा सामान भी नहीं लगता है और ये सबसे अच्छी चीज आर्मी मैक्स एचपी देता है और रेंज अटैक देता है। आर्मी मैक्स एचपी 16%, जो कि बहुत हेल्प कर सकता है, मतलब 26% ऐसा ही मिल जाएगा आपको। उसके बाद चलिए बात करते हैं अब मेन हैंड पे। तो मेन हैंड पे हम लोग को सबसे अच्छा मतलब बेस्ट जो होता है वो अपना 8 मिनट ये रहा, जिसको मतलब ये आपको इन्फेंट्री अटैक, रेंज अटैक और कैव अटैक तीनों चीज़ें देता है। तो सोच ही सकते हो तो कितना इम्पॉर्टेंट है। प्लस ये मतलब इसको बनाना भी मतलब सरल है, मतलब बाकियों की अपेक्षा इसको आसानी से आप बना सकते हैं। तो ये मतलब अच्छी चीज़ है, मतलब F2P के लिए बेस्ट तो यही है और इसके अलावा कुछ नहीं है बेस्ट इसके लिए, मतलब F2P के लिए। उसके बाद चलिए अपना सेकेंड जो होता है वो देखते हैं। और हेलमेट की बात करें अगर तो हेलमेट में केवल यही जो है जो मतलब उसमें आती है बोन एपिटाइट के सेट में जहाँ तक आता है ये, तो मतलब इसमें बोन एपिटाइट के सेट की एक ही अच्छी बात है बस, कि ग्लोइंग हालो के मतलब छोड़ के बाकी सारी चीज़ें बड़ी आसानी से हमको मिल जाएंगी। अगर लेवल 2 का भी हंट करेंगे तो आपके आराम से मतलब मटेरियल जो होते हैं इसको बनाने के लिए आराम से आपको मिल जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने मतलब सेकेंड पे, आर्मर पे। आर्मर में हम लोगों का सबसे बेस्ट जो मतलब सुझाव है मेरी तरफ से तो एक ही है, जो है ये अपना जो भी बोलते हैं इसको। तो इसका मैं मतलब मेन चीज़ में है कि इसमें मैक्स एचपी मिलती है, बाकी सब बकवास है, हालांकि मिल रहा है तो रख लेंगे बट इसमें मैक्स एचपी मिलती है इसलिए इसको चुना है। तो क्योंकि अगर आप मैक्स एचपी होगी तो अगर आप किसी पर अटैक करेंगे तो आपको डैमेज थोड़ा कम मिलेगा और सामने वाले को मतलब आपके अटैक के हिसाब से डैमेज मिलेगा। तो आर्मी मैक्स एचपी 7% अच्छा है, मतलब इसको बनाना भी कुछ मतलब मुश्किल नहीं है, आराम से आपका ये मतलब बन भी जाएगा। उसके बाद चल रही है हम लोग चलते हैं अपने नीचे, ये देखते हैं इसमें सबसे बढ़िया कौन सा सेट जो मतलब लगता है। ये जो आपका हनीकॉम चैम्प्स जो बनता है यही सबसे बेस्ट है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कैब अटैक और रेंज अटैक मिलता है। प्लस ये उसके सेट में आता है क्वीन बी के सेट में आता है, तो इसको मतलब बनाना आसान है और मतलब इसमें आराम से आपको क्वीन बी को अगर आप हंट भी करना चाहें और अगर आप नॉर्मल हंट भी करते हैं तब भी इसको आप आराम से मतलब बढ़िया तक के पर्पल या गोल्ड तक के ले जा सकते हैं आराम से, तो इसलिए मैंने इसको रखा है इसके अंदर। और अभी तक के आप मतलब अब तक के आप लोगों ने वीडियो देख लिया हो यहाँ तक के, तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों के T5 नहीं खुले हैं मतलब T4 और T5 के बारे में हमको जानकारी चाहिए तो आप मतलब मेरे चैनल को चेक कर सकते हैं, उसके अंदर जो है मैंने सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर दी है। और मैं अपने सेट का दिखा देता हूँ, मेरा सेट कुछ खास नहीं है, मतलब लेवल 60 के हिसाब से तो मतलब है नहीं, लेवल 60 वाला नहीं है ना इसलिए, क्योंकि एक तो मैंने कुछ गलतियां की थी इसके मतलब मेन हैंड में मैंने दो बना लिए थे, एक तो कैफ का बना लिया था, एक इन्फेंट्री का बना लिया था, जो मैंने गलत किया था, मुझे नहीं बनाना चाहिए था, तब मैं कुछ खास जानता भी नहीं था गेम के बारे में। तो अब जैसा कि हम देख सकते हैं कुछ खास नहीं है मेरा सेट भी, ज़्यादा कुछ नहीं देता ये, चलो मैं हटा देता हूँ इसको। और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यही मतलब मैं मेन अभी अटैक के लिए यूज़ करता हूँ, क्योंकि लेवल 59 लेवल 60 के लिए अलग गियर्स बनेंगे जो मैं आपको दिखा दूँगा, मतलब बता दूँगा कौन कौन से बेस्ट हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले गेमिंग एपिसोड में।